हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज ऑर्डर आजम और आज की एक्सट्रीम 160R वर्सेस हॉर्नेट 160R की है। सो आज हम इन दोनों का ड्रैग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टॉप इन खींचेंगे एंड बता दें कि दोनों बाइक एक हीरो की एक होंडा की है, तो पहले साथ हुआ करते थे हीरो और होंडा भी। एंड ये इंजन कहीं ना कहीं तो आप जान सकते हैं कि दोनों लगभग सेम ही हैं, बट हाँ होंडा का टॉप इन सही है, हीरो का तो अभी चेक करके पता चलेगा कि क्या टॉप इन है एंड एक्सेलरेशन में निकलती है या फिर शुरू से ज़्यादा ही गैप बन जाता है या हॉर्नेट ही आगे निकल जाती है। पावर थोड़ा कम है आपको बता दें एक्सट्रीम 160R का एंड हॉर्नेट का पावर ज़्यादा है, तो चलिए ड्रैग करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हॉर्नेट निकल गई, एक्सेलरेशन अच्छा हाँ क्योंकि कंपनी ने एक्सेलरेशन के बारे में ही बोला है। नहीं पता ये बारिश कहाँ से आ गई, थोड़ी बारिश हो रही है वो भी नहीं, वो भी कैमरे वैमरे पे थोड़ा सा आ जाए तो कैमरे की वीडियो क्वालिटी ख़राब कर देती है। तो चलिए अब सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं राइडर चेंज करके। तो हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही है बट फिर भी देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है।
तो आपने देखा स्लिप स्ट्रीमिंग करने पे ये बाइक 123 तक गई, मतलब जैसे स्लिप स्ट्रीमिंग में वो सटती है एंड जहाँ ओवरटेक मारने लगते हैं ये डेड हो जाती है। और टॉप इंड लगभग दोनों का सेम ही है, कोई एसलेशन में बेहतर है तो कोई मिड रेंज में बेहतर है। 60 तक ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म की एंड बाकी उसके बाद दोनों लगभग सेम ही हो गए टॉप इंड में। उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, अगर पावर उसकी थोड़ी कम होती तो ये लगभग विनर ये होती, बट हाँ विनर यहाँ पे हॉर्नेट हुई एंड एक्सट्रीम भी एसलेशन में विनर हुई। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।